गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वेस्टिजेंस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे, है ना? और आज आप लोग कितने एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जाकर बताएं कि आपने एक्साइटमेंट दिखाई है, ओके? क्योंकि आज हम बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मतलब ऐसे एक शख्स से मिलने वाले हैं, है ना, जो इतने कम समय में, कम उम्र में इतने अच्छे मतलब नॉलेज ग्रैब करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो हम इसी मतलब ये जो ये मीनिंगफुल यानी इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको जोरदार से मतलब ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग का कमेंट का बहुत जरूरी होगा, ओके? तो आपका एक्साइटमेंट दिखाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आज जिनके थ्रू से हमें नॉलेज मिलने वाला है ना, वो जो कम समय में इतना अच्छे से अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और अपने ड्रीम्स को लेके, ओके, अपने ड्रीम्स को लेके वो इतना क्लियर है ना। तो इसी के कारण से मतलब आप लोग भी दिल थाम के बैठे, मतलब वो सर जो है बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा, ओके? और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके? आई एम दौमित लेप्चा फ्रॉम सिक्किम। माइट भी आप लोग दो तीन लोगों तो मुझे पहचानते भी होंगे, है ना, तभी भी फिर भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। और एक मजेदार बात ये है कि आज जो सेशन होने वाला है, जो ये वाला एकदम धमाकेदार होने वाला है, ओके? तो आप लोग सब मतलब चैट बॉक्स में जाके ओके अपना एक्साइटमेंट दिखाइए इस सेशन को बहुत मतलब बहुत अच्छे से, ओके? कमेंट्स के साथ में अपना जो जो मतलब एक्साइटमेंट है ना, वो वाला सब लेकर आना चाहिए, ओके? और ऐसे ही मैंने बता दिया जो सर आने वाला है ना, इतने कम उम्र में, ओके? इतने कम मतलब वो इतना यंग है ना, यंग साल में, यंग होते होते भी उन्होंने इतना अच्छा मतलब लेवल क्रिएट किया है अपने लाइफ में, इतना आगे बढ़ चुका है ना। तो इतने यंग मतलब इतने अच्छे है ना, अपने फ्यूचर मतलब फ्यूचर को लेके सब कुछ, उनको क्या बताऊं, मतलब मैं ही सब कह दूंगा तो मतलब आप लोग वहां के वो मतलब सर की जुबान से तो मतलब सुनने को नहीं मिलेगा ना, इसीलिए आज क्या करेंगे हम, मैं इतना ज्यादा बात नहीं करूंगी, ओके? सर बात करेंगे और सर की जुबान से सुनते हैं, है ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सर के मतलब सर से हम बहुत सी नॉलेज ग्रैब करने का मौका मिलेगा, ओके? और लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका भी मिलेगा, ओके? और आज आप लोगों को पता चल ही गया कि आज मैं हूँ होस्ट, ओके? तो इसी मतलब आप लोग जोरदार तालियां कीजिए सर के लिए, ओके? मैं सर को वेलकम करना चाहूंगी, ओके? आई वुड लाइक टू वेलकम, ओके, हमारे जो एनर्जेटिक डायनेमिक सर है ना, तो हम हमारे बीच में आएंगे सर, और उनकी मतलब जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है हमें गेन करने का मौका मिलेगा, है ना। ये सुनहरा मौका, मतलब मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ओके? ज्यादा टाइम तो सर को लेना चाहिए ना, क्योंकि आज सर से हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके? तो सर को वेलकम करे, आप लोग जल्द से जल्द जाकर चैट बॉक्स में जाकर वेलकम करिए सर को, है ना। वार्म वेलकम सर, ओके? मैं सर को करूंगा। यस यस, थैंक यू सो मच दौमित मैम। यस, आई बिलीव दैट आई एम ऑडिबल, राइट? यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। यस, थैंक यू सिंह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन जो है फुल पावर पैक होने वाला है। Are you excited for this? Come on. Are you excited for this? How much excited are you? Come on. Give it up on the chat box. Give it up on the chat box. Come on, guys. Yes, thank you so much. Thank you so much. Yes, yes. Yes, I can see all the excitement. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yes. So thank you so much for your invitation where I could share my journey with you guys. And I never thought that like I would like where what? I never thought like from before that I will get a chance to share about my story with all you guys, with all you beautiful people, right? With all you beautiful people, I never thought of sharing my stories from before. But yes, thank you so much for your warm invitation, right? Yes, so thank you so much. Yes, so let's start this session. I believe that sab log excited ho mera journey sunne ke liye. Yes, now. So today, wherever I am,
It's not because of my work, it's not because of my income, it's not because of my level, but it is because of my dreams, right? So, yes, so thank you so much. And bahut log Google mein dekh raha hu, sab log bahut excited hain. Yes, okay, I can see in the chat box, where are you from, sir? I'm living currently on Agartala, Tripura. Yes, so my name is Samuel Devarma. Currently working in Vestige as a goal director. So I believe that sabhi log aage honge. Yes, so let's start this warm session, right? Not a cool session, but a warm session, right? Yes, so let's give it up. And so today I will share about my story. How did I do this business and what are all the thing which I face in this business na, kya kya cheeze maine is business ko karte hue face kiya aur wo challenges ko maine kaisa overcome kiya aur mera achievement kya hai, ye sab log ke bare mein hum log aaj baat karenge, hai na. And also this session, end of this session main aap logo ko kuch surprise aur kuch valuable thing dena chahunga. Isliye main aap sab log se ek request karna chahta hu ki aap sab log apna diary aur pen leke baithein, theek hai? आप सब लोग अपना डायरी और पेन लेके बैठे, क्योंकि इस सेशन का लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेके आ रहा हूँ जो आपको इस बिजनेस पे प्रो बना देगा, ठीक है? प्रो बना देगा, प्रो नेटवर्कर, ठीक है? एंड आई बिलीव दैट एवरीवन वांट्स इट, राइट? आई बिलीव दैट एवरीवन वांट्स इट. यू वांट इट ऑर नॉट? यस ऑर नो गाइस? कम ऑन, गिव इट अप इन द चैट बॉक्स. Yes, everyone wants it, right? Everyone wants it. Yes, thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. Yes, so I would like to share my screen right now. I would like to share my screen. Okay, so aaj main aap sab log se mera journey share karunga. So I believe that sabhi log bahut excited hain mera story ko sunne ke liye, and also everyone, we are connected with different parts of the stage, right? And also, who knows, there may be some of the people who are out of the country too, right? Yes, so good morning, it's me, Mr. Samuel, right? And let's go to my story. Now this is my storybook. Yes, my name is Samuel Devarma, and currently working as goal director and coming from a middle class family. Yes, I'm from a middle class family, guys. Middle class family matlab example ke taur pe main bolu to जैसे कि मान लो हम लोग अपना, हम लोगों का फैमिली है ना, मिडिल क्लास फैमिली से ब्रॉड अप है, तो हम लोगों का पास्ट लाइफ कैसा था? जैसे कि मान लो अगर हम लोगों के पास एक फेस वॉश खत्म भी हो जाता था ना, तो फेस वॉश को काट के फिर से अंदर से हाथ से फिर से निकाल के फिर से बाहर लगा के मतलब वो निकाल देता था ना, तो ऐसा लाइफ था हम लोगों का. एंड ऑल्सो कमिंग टू दिस बिजनेस टूडे, आई कॉल माई सेल्फ एज अ क्रेजी नेटवर्क मार्केटर, राइट? क्रेजी नेटवर्क मार्केटर. डू यू नो वाई? Because I'm really crazy about my success, right? I'm really crazy about my success. Yes. So, yeah, business ko maine 16 ka umar mein shuru kiya tha. ठीक है, 16 का उम्र में मैंने ये business को शुरू किया था एक सोच लेके कि मैं यहां से कुछ बन पाऊंगा. ठीक है, and let's talk before that. About my story, like before Vestige में कैसा था? देखो, class 1 से लेके class 6 तक तो पूरा पढ़ाई कर लिया, ठीक है? पढ़ाई तो कर लिया, मतलब marks भी इतना अच्छा आता था. I would like to mention that. But class 6 के बाद, class 6 तक पढ़ाई करने के बाद मेरा यहाँ पे क्या हुआ कि पढ़ाई पे ही मन इतना नहीं लगता था, लेकिन फोकस यहाँ पर चला गया था कि टेक्नोलॉजी पे, ठीक है? फोकस चला गया था टेक्नोलॉजी पे. क्यों? क्योंकि मेरा माँ ने एक बार स्मार्टफोन खरीदा था ना, तो स्मार्टफोन एडिक्टेड हो गया था मैं वहां से ही, तो मोबाइल फोन पे ही मैं पूरा एडिक्टेड हो गया था उस समय से. और पढ़ाई पे इतना मन नहीं लगता था क्लासिक्स से, ठीक है? क्लासिक्स से पढ़ाई पे मेरा इतना मन नहीं लगता था. और क्लास 7 और 8 वहां पर फैमिली में एक प्रॉब्लम आ गया था कि पापा मतलब लोन चुका नहीं पा रहे थे हम लोगों का फैमिली के लिए. पापा लोन चुका नहीं पा रहे थे, ठीक है? माय फादर वाज हैविंग प्रॉब्लम इन पेइंग बैक ऑल दोस डेब्ट्स. ओके, पेइंग बैक ऑल दोस डेब्ट्स. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड एट दिस केस, इवन
वो डेफ्स के लिए मेरा स्टडी पे भी मतलब प्रॉब्लम हो गया था, तो क्लास 9 तक पढ़ाई करके फाइनल एग्जाम नहीं दे पाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा था उस टाइम। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या होता है, मन में एक चीज आ गया था कि आज तक तो मैं देख रहा हूं कि जितने लोग भी ग्रेजुएट हैं, नौकरी इतना नौकरी मिलने से तो इतना तो मतलब नौकरी मिलने के लिए इतना मुश्किल हो गया है ना आजकल, है ना, नौकरी मिलने के लिए इतना मुश्किल हो गया है। यस, इट इज वेरी मच हार्ड टू गेट जॉब टुडे, राइट? सो फॉर दैट रीजन व्हाट हैपेंड एट दिस केस, मैं भी सोचने लगा अगर मैं मैट्रिक पास नहीं हूं और क्लास 9 तक पढ़ाई किया हूं तो फ्यूचर के लिए क्या स्कोप है मेरे लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का ये होता है ना कि बड़ा बन जाऊंगा, है ना, बड़ा बन जाऊंगा और बड़ा होने के बाद क्या, ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी तो ढूंढूंगा ना, ये सभी तो होता है मिडिल क्लास फैमिली का ये सब स्टोरी, है ना। तो मेरा भी सोच ऐसा ही था कि ग्रेजुएट करने के बाद ये सब होगा, लेकिन क्लास 9 तक पढ़ाई किया तो मतलब एक क्या एक होता है ना अंदर से कि फ्यूचर में और क्या करूं, है ना, फ्यूचर में और क्या करूं, सोच पे पड़ गया था उस टाइम। ओके, सोच पे पड़ गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट चला गया था फुटबॉल में, ठीक है, यस आई एम अ फुटबॉल लवर। ओके, मेरा इंटरेस्ट चला गया था फुटबॉल में और फुटबॉल खेलते खेलते मतलब क्लब और एकेडमिक क्लब में भी मैंने बहुत ट्राई किया, आई हैव ट्राइड मेनी प्लेस एंड मेनी क्लब, बट व्हेनेवर पीपल गेट सेलेक्टेड इन ऑल ओवर द क्लब, आई वाज द ओनली वन हु इज टू गेट रिजेक्टेड। ओके, आई वाज द ओनली वन हु इज टू गेट रिजेक्टेड, एंड वन टाइम लकीली आई गॉट सेलेक्टेड इन वन क्लब, एंड ऑल्सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव बीन द कैप्टन ऑफ द क्लब। ओके, तो स्पोर्ट्स पे जब मेरा इंटरेस्ट गया था तो एक सोच लेके वो स्पोर्ट्स को भी शुरू किया था मैंने कि एक ना एक दिन मेरे स्टेट के लिए खेलूंगा मैं, है ना। होता है ना जब हम लोग स्पोर्ट्स जब शुरू करते हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल बैडमिंटन जो भी हो, स्टेट या कंट्री या क्या अपना लोकल लेवल के लिए, तो एक ना एक बार तो मैं खेलूंगा ऐसा सपना देख के ही तो हम लोग शुरू करते थे ना हम लोग का लाइफ स्टोरी, है ना। तो स्पोर्ट्स से मैंने एक सबसे अच्छा चीज सीखा जो मैं इस बिजनेस पे आने से पहले या आने के बाद भी वो एटीट्यूड को मैं यूज करता रहा आज भी, वो क्या है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, राइट, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड स्पोर्ट्स से मैं सीखा ये। क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है गाइस, स्पोर्ट्स में होता है कि अगर आप मिडिल मैच में ही गिव अप कर लेते हो ना, मतलब आपका हार पक्की है ना, शुरू करोगे पूरा एक्साइटमेंट के साथ लेकिन मिडिल में ही गिव अप कर लोगे ना तो आपका हार पक्की है, स्पोर्ट्स में ऐसा ही है। तो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड वहां से ही सीखा मैंने, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द थिंग व्हिच हाउ आई करेंटली doing this business and before that how I joined this business. Okay, before that how I joined this business. See, at April 18, 2019, a very good friend came to me and introduced the business plan. I wasn't taking that serious. Itna serious nahi tha main is business plan ke baare mein to April 18, 2019 mein. ठीक है. And May 26, 2019 mein जब मैं गांव पे था, when I was at village. My best friend called me. मेरा best friend ने मुझे call किया था, Samuel, तू कहाँ पे है? मैं बोला मैं गांव पे हूँ। तू अगरतला कब आएगा? हाँ भाई मैं आ जाऊंगा। भाई जल्दी आ जा, मेरा दोस्त का बर्थडे है, उस दिन जाते हैं। यह था उसका invitation का ऐसा ही मुझे invite किया था, ठीक है, उस time. And तो मैंने बता दिया उसको कि When am I going back to Agartala, right? So, yes, जब मैं अगरतला चला गया था, ठीक है, when I went back to Agartala, at that part of time, what happened, guys? He called me for a birthday,
बर्थडे पार्टी, तो उसने बोला था कि अच्छे से एक अच्छा कपड़ा पहन ले तो मेरे साथ चल रेस्टोरेंट जाते अभी। तो मेरा अपलाइन जो मेरा अभी जो करेंट अपलाइन है, ठीक है, बाद में जब हम लोग सब रेडी हो चुके थे, बाइक बाइक पे बैठा के लेके गया मुझे, और रेस्टोरेंट की जगह वेस्टीज ऑफिस, वेस्टीज ऑफिस पे मुझे लेके गया था, ठीक है, वेयर यू कैन सी हियर द वेस्टीज ऑफिस। एंड ये IDBI बैंक का सामने ही मुझे वहां पर मुलाकात हुआ सोहन सर से, वो भी गोल्ड डायरेक्टर है या बिजनेस में, मेरा ही ग्रेट अपलाइन है जो मैं इस बिजनेस में मुझे इतना दूर तक लेके गया है ना। सोहन सर के साथ मुलाकात हुआ, तब क्या हुआ सोहन सर से मुलाकात होने के बाद, व्हाट हैपेंड आफ्टर आई मेट टू सोहन सर, यस एवरीथिंग गॉट चेंज राइट। क्योंकि देख मेरा दोस्त ने जब मुझे बिजनेस प्लान दिखाया था, व्हेन माय फ्रेंड शो मी द बिजनेस प्लान, आई वाजंट टेकिंग द सीरियस ओके दैट टाइम। होता है ना दोस्तों के बीच जितना भी दोस्त सीरियस हो जाए, लेकिन हम लोग ही होते हैं मजाक उड़ाने वाले, है ना। तो क्या हुआ वहां पे जब मैंने सोहन सर के साथ पहली बार जब मुलाकात हुआ, तब तो वो मेरा अननोन था, मैं उसको पहले पहचानता नहीं था, इसीलिए कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा, है ना, इसीलिए कॉन्वर्सेशन किया बहुत अच्छा रहा, है ना। तो कॉन्वर्सेशन तो बहुत अच्छा रहा, और उस रात जब मैंने वेस्टीज का प्लान, ठीक है, जब मैंने वेस्टीज का प्लान पहली बार सुना, यस व्हेन आई हर्ड अबाउट द वेस्टीज प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, एक टर्निंग पॉइंट हुआ मेरा लाइफ में। जो बचपन से जो मैंने सपने देखते आए थे ना, वो सपना फिर से जाग गया, और वो लोग मुझे क्लोजिंग ही नहीं करना पड़ा, मैंने बोल दिया मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्यों ज्वाइन तो हो जाऊंगा, लेकिन लोग सोचते हैं ना ज्वाइन होने के बाद क्या मैं कर पाऊंगा क्या, यही सोच होता है ना न्यू लोगों का स्पेशली राइट, यही सोच होता है ना। व्हेन न्यू गाय जॉइन टू दिस बिजनेस ऑलमोस्ट लाइक 75% पीपल थिंक दैट After joining this business, will I really be able to do this business? Right? That thinking didn't came to me. मेरा सोच किया था करना है तो करना है और कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में, है ना, करना है तो करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ऑल्सो आज तक भी जो ये बिजनेस पे मैं डटा रहा ना, इट इज व्हाई, it is just because of my responsibility and my maturity, right? It is just because of my responsibility and my maturity. See, आप सब लोग सोच सकते हैं कि मैं इतना कम उम्र में ये बिजनेस को ही क्यों चूज किया, क्योंकि ये तो मेरा खेलने कूदने का उम्र है ना, ये तो मेरा खेलने कूदने का उम्र है। Because see, maturity never come from age. That is the first thing. Maturity never come from the age. Maturity come from taking responsibility, right? Maturity comes from taking the responsibility, right? So मैंने भी वेस्टीज को जून 2019 जब वेस्टीज का बर्थडे था तब मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड ऑल्सो आई हैव डन माई कंसिस्टेंसी विद माई ओन पॉकेट मनी, कैन यू गेस विद माई ओन पॉकेट मनी। एंड पॉकेट जब कंसिस्टेंसी करने के बाद क्या हुआ, पॉकेट में सिर्फ 10 रुपए बचा था, लेकिन सोच में सिर्फ एक चीज रखा, व्हाट डिड आई पुट इन माय माइंड, यस आई हैव पुट इन माय माइंड दैट वन डे यस आई एम गोना हैव अ रेंज रोवर राइट, आई एम गोना हैव अ रेंज रोवर, मेरे पास भी एक ना एक दिन रेंज रोवर होगा। वही रेंज रोवर का सपना लेके शुरू किया था, पॉकेट में सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन उसी दिन से देख रहा था मैं रेंज रोवर का सपने, है ना, और वो रेंज रोवर का सोच लेके रेंज रोवर का स्पीड की तरह ही काम किया मैंने, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लाइफ में यहाँ पर कैसा आया,
देखो स्कूल लाइफ में फैमिली फोर्स की वजह से मेरा एम इन लाइफ हो गया था डॉक्टर, ठीक है, और मिडिल स्कूल में हो गया था मेरा प्रोफेशनल फुटबॉलर, एंड ऑल्सो टूडे आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, ओके, बिकॉज सी सोशल मीडिया हो या कुछ, सब कुछ मेरा हाथ में ही आता है ना, पोस्टर बनाओ या वीडियो एडिट करो, सब कुछ मेरा हाथ में ही आता है, इसीलिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटर मैं क्यों अपने आप को बोलता हूँ, क्योंकि आई एम प्रोफेशनल इन डिजिटल, ओके, एंड ऑल्सो आज भी दोस्त लोग मुझे बोलते हैं कि समूल तू तो बहुत लकी है रे, समूल तू तो बहुत लकी है रे, तूने तो कर दिया, लेकिन हम लोगों का क्या है ना, बट थिंग इज सी यहाँ पर मैंने लिखा लकी वंस हु आर लकी आर द वंस हु नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, राइट, द वंस हु आर लकी आर द वंस हु नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, दुनिया में जो लोग लकी है ना वो लोग कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते, जितना भी अपॉर्चुनिटी हो मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था फर्स्ट 2-3 मंथ क्या हुआ ऐसे एट अ यंग एज क्या हुआ यहाँ पे, यस, दोस्तों से मौकरी है ना, दोस्त लोग बोलने लगे ए बिजनेसमैन आ गया, ए बिजनेसमैन आ गया, ए बेस्टीज 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 करके, है ना, दोस्त लोग भी आके बोलने लगा, तो बिजनेस को ऐसे ही मतलब वो चैलेंजेस के साथ शुरू किया, और मेरा अपलाइन के साथ हम लोग पैसा कंट्रीब्यूट करके मतलब मेरा गांव जहाँ पे जाम्पू हिल है वहाँ पे हम लोग जाते थे, और एक टाइम तो हम लोग जाते जाते ही मतलब बारिश का समय था बाइक से भी शायद हम लोग 2 बार गिर गए थे, ऐसा ऐसा टाइम भी हुआ था, ठीक है। तो चैलेंजेस के बारे में अगर बात करूं तो यही सबसे मेन चैलेंजेस था, वो क्या है, मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। लोग बोलते हैं ना जब हम लोग ये बिजनेस को शुरू करते हैं कि मिथ्स मतलब क्या, मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट व्हेन वी जॉइन अ बिजनेस, राइट, व्हेन वी जॉइन इनटू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पीपल बोलते हैं ना जैसे कि ए नेटवर्क मार्केटिंग वो सब है, वो सब कुछ है, वो दो जोरो कंपनी है ना, वो सब है। तो वही सब सुनने को मिला और अंडरएस्टिमेटेड अबाउट माय एज, राइट, मेरा उम्र बहुत कम है, लोग बोलने लगे बेटा तेरा तो खेलने कूदने का उम्र है, ये सब मत कर, है ना, या मेरा उम्र कम है इसलिए ज्यादा रिजेक्शन खाया मैंने, क्यों, क्योंकि हम लोगों का कम्युनिटी में ऐसा ही लोग होता है कि हमसे ज्यादा छोटा उम्र को ये नीचे 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 की तरफ देख लेता है ना, बड़ा करके नहीं देखता, और रिजेक्शन तो मिला है बेस्ट फ्रेंड्स फैमिली से भी रिजेक्शन, जब मैं ये बिजनेस को शुरू किया था सब दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया, मेरा पूरा क्लासमेट ने, जो मेरा सबसे बचपन से जो लोग गोस के साथ मैंने खाया पिया खेला कूदा वो सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और एट फर्स्ट में फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, यस आई बिलीव दैट नाउ अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त, है ना, यस, लोग मुझे पूछता था कि ये बिजनेस को क्यों कर रहे हो, आ जाओ हम लोगों के साथ फुटबॉल खेलो या हम लोगों के साथ क्या घूमो खाओ पियो, ये सभी तो बोलता ना दोस्त, तो मेरा दोस्त लोग कुछ लोग भी बोलते हैं कि ये तो सिर्फ लड़कियों का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग इज वर्क फॉर वुमेन्स और मे बी लेडीज, राइट, ये सब लोग मेरा दोस्त लोग ये सभी तो बोलता था। तो मैंने अपना एक दोस्तों को मैंने रिप्लाई किया, ठीक है, मैंने मेरा एक दोस्तों को रिप्लाई दिया था कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं तेरा बात मान लूं, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मैं तेरा बात मान लूं, क्या तू मुझे ये सब दे पाएगा, है ना,
ये क्या 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 तू मुझे ये सब दे पाएगा? वो बोला नहीं, या तेरे पास ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं ये चीजें को फुलफिल कर पाऊं? वो बोला नहीं, इसीलिए तो ये मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि देख तू पढ़ रहा है, मैं क्लास नाइन तक पढ़ा किया हूं, लाइफ के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, खेलने कूदने का उम्र है, लेकिन ये उम्र अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए काम करने का उम्र बन गया। एंड ऑल्सो देखना दोस्त, फ्यूचर में हम लोग एक साथ मिलेंगे, लेकिन सक्सेसफुल बनके। ये रिप्लाई किया था मैंने उस वक्त, क्यों सोच यही तो था ना। चैलेंजेस जितना भी आए दोस्त, चैलेंजेस कितना भी आए, जब आपका ड्रीम जिंदा है ना, जब तक आपका ड्रीम जिंदा है, आपका अपलाइन भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपलाइन को भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि काम करने के लिए, जब आपका अगर आपका ड्रीम जिंदा है तो, ठीक है। When you are so much serious about your dreams, na, you don't need to get pushed by your upline. You can do it by yourself. But work at the right system. Work by following the right system. तो मैंने भी वही सबसे सिस्टम पे काम करना शुरू किया, ठीक है, सिस्टम पे काम करना शुरू किया, और सिस्टम पे काम करने के बाद क्या हुआ, अचीवमेंट भी मिल गया ना। आज मेरे पास सबसे ब्यूटीफुल होम सेटअप है, ठीक है। एंड उसी दिन मान लो, हाँ सिर्फ 10 दिन ही गए हैं, मैं जहाँ से मैं आज आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, एक्सयूस लैपटॉप वो भी 50K का खरीद लिया मैंने, कम है ये, एक्सयूस लैपटॉप से ही तो मैकबुक खरीदूंगा फ्यूचर में, है ना। और विजिटेड लग्जरी प्लेसेस एट दिस यंग एज, राइट, दैट आल्सो विद माय ओन, बाप का पैसा नहीं खाया मैंने लग्जरी प्लेस जाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है self development, right? Self development is the most important, which you can, which किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा, but only on this vestige you will get self development, right? आज मैं जहाँ पे भी हूँ, वो अगर मैं अपने खुद पर self development नहीं लाता, तो आज तक मैं यहाँ पे नहीं होता, है ना। self development सबसे important है। अगर आप लोग मुझे पूछते हो सर आपका मेन टास्क क्या है, और या आपका मेन गोल या कुछ भी क्या है, माय मेन गोल इज टू इम्प्रूव एवरी डे, 1% भी हो ना, तो माय मेन गोल इज टू इम्प्रूव एवरी डे, ओके। काम इतना भी करो ना, काम इतना भी करो कि लोग आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नहीं ढूंढेगा, यूट्यूब और लिंक्डइन या ट्विटर पे ही ढूंढेगा। काम इतना करो, आज मुझे लोग यूट्यूब पे ही ज्यादा ढूंढते हैं, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग तो वहां पे ही ज्यादा है ना, यूट्यूब पे ही तो ज्यादा ढूंढते हैं आज मुझे लोग। यस सो लेट्स गो मोर। यस दिस इज द फर्स्ट ट्रिप विद माय अपलाइन, ओके, दिस इज द फर्स्ट ट्रिप विद माय अपलाइन, दैट वाज द नो फूड जर्नी बैरबी मिजोरम में। ये मैं क्यों डाला, क्योंकि ये सबसे मेरा लाइफ का बेस्ट मेमोरीज था, ठीक है, ये मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट मेमोरीज था। खाने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग जर्नी पूरा करके एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग देके आया, वो भी बैरबी मिजोरम में, ठीक है। एंड पहले तो हम लोग का मार्केटिंग प्लान था 5, 8, 11, 14, 17, 20, ये सब है ना, तो उसका बीच का स्टोरी मैं बताता हूँ, ठीक है, उसका बीच का स्टोरी। यस सो जस्ट गिव मी सम टाइम्स, ओके। यस ओके आई एम रेडी। यस बिगिनिंग में मेरा स्टोरीज कैसा था, ठीक है। यस सो आई बिलीव दैट इट इज वेरी मच विजिबल ऑन योर स्क्रीन, राइट। सो 5%, जब मैं 5% लेवल था, जब मैं 5% लेवल पे था, मैंने अपना जॉब को रिजाइन कर दिया। यस मैं पहले टेलीकॉलिंग का काम करता था, रात को यूएस पे हम लोग कॉल करते थे, ठीक है, टेलीकॉलिंग का काम करता था मैं पहले। यस सो रात को काम करते थे हम लोग, रात को 8 बजे जाते थे ऑफिस, सुबह 5 बजे छुट्टी मिलता था ऑफिस से,
और 5 बजे से मतलब मान लो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करने कर दें तक तो मतलब 9-10 बज जाते थे, है ना, क्योंकि मॉर्निंग फॉलो अप भी रहता था फोन कॉल में, बिजनेस बिजनेस ज्वाइन अप था। तो वहां पे क्या हुआ, एक ना एक दिन तो मैंने सोच लिया, क्योंकि दिन पे सिर्फ 2-3 घंटा ही मुझे काम करने का टाइम मिलता था, तो मैंने एक डिसीजन लिया, वो था कि मेरा लाइफ का सबसे रिस्की पॉइंट, क्यों, क्योंकि पापा का लोन चुकाने में मुझे भी तो सपोर्ट करना है ना, तो वही सिर्फ वहां से ही तो मुझे इनकम मिलता था, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, सबसे बड़ा रिस्क मैंने लिया कि यस मैंने अपना जॉब से रिजाइन कर दिया और वेस्टिज पे मैं फुल टाइम हो गया, ठीक है, वेस्टिज में मैं फुल टाइम हो गया, यस। सो मैं फुल टाइम काम करने लगा और 8% में अनलीज द पावर विथ इन ट्रेनिंग अटेंड किया, अगरतला रविंद्र भवन में जो हुआ था पहले, शायद आप में से बहुत लोग वो ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं और आप लोग को तो पता होगा कि वो ट्रेनिंग सबसे, जो लोग भी वो ट्रेनिंग अटेंड किया ना आज सब डायरेक्टर के ऊपर पे हैं, ठीक है। और टर्न मी टू अ नॉर्मल एंड फोकस मैन, ये ट्रेनिंग ने मुझे नॉर्मल से पूरा फोकस मैन में बदल दिया था, ठीक है। और 11% में क्या हुआ, मैंने अपना फेवरेट लैपटॉप सक्सेस बाय चॉइस ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बेच दिया था, क्योंकि क्यों बेच दिया, यस वो लैपटॉप मेरा फेवरेट लैपटॉप था, ठीक है, वो लैपटॉप क्या मैंने बोला, वो लैपटॉप मेरा फेवरेट लैपटॉप था, क्यों, स्कूल मेरा फर्स्ट लैपटॉप था, मेरे पापा ने खरीद के दिया था जब मैंने क्लास 7 पास किया था, तो उसी सब से मेरा प्रोजेक्ट ये सब कुछ होता था। और मैंने ये सोच लेके वो लैपटॉप को बेच दिया था, क्यों, लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो सेक्रीफाइस इज द प्राइस यू पे फॉर सक्सेस, राइट। तो मैंने उस वक्त मैंने लैपटॉप को बेच दिया, ठीक है, लैपटॉप को बेच दिया। और लैपटॉप को बेचने के बाद ये ट्रेनिंग जब लिया था ना, ओ भाई साहब, स्पिरिचुअली मैं पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया सिद्धार्थ सर से मिलने के टाइम। गाइस देखो देखो और सुनो, जो महीने का 1 करोड़ का ऊपर कमाते हैं, क्लोजली पूरा देख के आया मैंने उस वक्त, तो मैंने भी सोच लिया था, आई हैव थॉट एट द टाइम व्हाट हैव आई सीन, मेडिटेशन भी कराया मेरे साथ पर्सनल भी, 2 मिनट उसने टाइम दिया, लेकिन वो 2 मिनट मेरे लिए 2 दिन की तरह था। आई हैव गॉट टू टॉक विद सिद्धार्थ सर, आई कैन नॉट बिलीव द रिचेस्ट, मे बी नॉट द रिचेस्ट बट द हाइएस्ट अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग इन ऑल ओवर द एशियन कंटिनेंट, राइट, सिद्धार्थ सर मिलके आया। और वहां से ही मेरा सोच बदल गया था, क्या बदला, एक मिलियनेयर का सोच में आ गया था, क्यों, क्योंकि एक एनवायरनमेंट पे आ गया था ना, क्यों, क्योंकि लोग बोलते हैं सर मैं ट्रेनिंग कैसे अटेंड करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं होके भी मेरे पास जो है वहां से ही काम चला के मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए गया, तो मुझे लगा था पहले मैं सिर्फ वो एक ही बंदा हूं जिसके पास इनकम नहीं है, लेकिन खुद का कुछ बेच के गया ना, लेकिन अगर मैं लैपटॉप बेच के वहां पर नहीं जाता ना, आज भी वहीं पर मैं अटका रहता, आई कैन गारंटी दैट, राइट, आई कैन गारंटी दैट। वो ट्रेनिंग नॉलेज का ट्रेनिंग भी नहीं था, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग था क्या, वो है माइंडसेट का ट्रेनिंग, ठीक है। सो माइंडसेट प्रिपेयर होना सबसे जरूरी है ये बिजनेस पे, क्यों, देखो दोस्त, अगर आप बहुत काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बहुत काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका काम से, मतलब आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम शुरू कर दो, सेल्फ डेवलपमेंट एंड माइंडसेट में, ठीक है। तो यहां से ही मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ और लैपटॉप जो बेचा था, बेचने से पहले एक सोच ले लिया था, आज मैं ये बेचूंगा, कल इससे और दामी वाला लैपटॉप खरीदूंगा, खरीद लिया ना 10 दिन पहले, है ना। Yes, sir, let's go towards my slide. Yes, so 14% में
14% में क्या हुआ, स्टार्टेड गेटिंग चेंज एट वर्क एंड रिजल्ट। एसबीसी ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा काम और रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। पीवी भी एसबीसी से पहले मैं 200-300 पीवी ऐसा ही मंथली लाता था, लेकिन एसबीसी के बाद 1400-1500-2000 ऐसे ही बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि माइंडसेट से पूरा प्रिपेयर हो गया था ना मैं, क्योंकि स्टेप्स लेने के लिए मुझे डर नहीं लगता था। और कि पहले पहले तो होता था ना सोच ऐसे कि सर मैं इनवाइट करूं तो अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, ये सब सोच से मैं दूर हो गया था। और मेरा मन पे सिर्फ एक ही था कि मुझे अपना गोल पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, और पहुंचने के लिए क्या जरूरी है कि मेरा टीम को सक्सेसफुल पहले बनाना है ना। एक लीडरशिप का माइंडसेट आ गया था मेरे ऊपर, ठीक है। और गौतम बली सर भी तो बोलते थे ना, अगर आप सोच रहे हो कि ये बिजनेस तेल साबुन बेचने का बिजनेस है तो आपका सोच गलत है। ये फर्स्ट स्टेप। और सेकंड चीज, अगर आप सोचते हो कि ये बिजनेस अपलाइन और डाउनलाइन का बिजनेस है, आपका सोच गलत है, यू आर रॉन्ग। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बिजनेस इज कॉल्ड अ लीडरशिप बिजनेस। देखो आज जो लोग भी अपना टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है ना, वो सभी ग्रो किया आज। अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सीखो। कैसे सीखोगे? पहले टीम से नहीं, पहले खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सीखो पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बाय टेकिंग योर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं ले पाए तो टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे, है ना। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो पहले खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। और जब मैं 5% था, आज भी याद है, सुमित सर से पहली बार जब मैं मिला था 5% में, उस वक्त वो गोल डायरेक्टर पे था, उसने एक चीज बोला था, वी आर ए लीडर और ए फॉलोअर। हम सब ने बोला लीडर। आप लीडर तब कहलाओगे जब आपका अपलाइन आपको सेल्फ परचेज करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आज भी आपका अपलाइन सेल्फ परचेज करने के लिए बोल रहा है, मतलब यू आर नॉट ए वेल प्रिपेयर लीडर yet still. So if you want to be a great leader, take your own responsibility. घर से जो भी प्रॉब्लम हो लेकिन बिजनेस में नहीं आना चाहिए, लेकिन अपना अपलाइन को अपना प्रॉब्लम शेयर जरूर करो, लेकिन शेयर करके खत्म मत करो। ये बोल दो कि अपना अपलाइन को, सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे ओवरकम करूं, ये चीज पूछो, तब आगे बढ़ोगे। बहुत लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं मेरे दोस्त, कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, सर मेरा इंटरनेट खराब है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट, सर मेरा मामा ने मुझे कुत्ता बोल दिया, है ना। ये सभी तो प्रॉब्लम आता था ना, तो वो सब प्रॉब्लम बोल के खत्म मत करो। अपलाइन को पूछो, अपना एक्टिव अपलाइन को पूछो कि ये प्रॉब्लम से मैं कैसे ओवरकम करूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एंड लेट्स गो टुवर्ड माय स्लाइड। 14% रिजल्ट आ गया था, और 17% वेंट टू बैरबी मिजोरम, जो मैंने उस स्लाइड में दिखाया था, और 20% जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई होने ही वाला था, क्या हुआ, पापा का स्ट्रोक प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। पापा का स्ट्रोक प्रॉब्लम हुआ, और उस टाइम भी मेरा पास इतना स्ट्रॉन्गली फोकस्ड टीम नहीं था कि मैं पैसिवली एक पीवी लेके आऊं। क्लोजिंग करना है, जितना भी डेप्स हो मुझे ही करना पड़ता था। ट्रेनिंग करना है, जितना भी डेप्स हो मुझे ही करना पड़ता था, है ना। तो सोच में पड़ गया था, मैं कहां पर टाइम दूं, है ना, मैं कहां पर टाइम दूं। और क्या हुआ, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो दो साइड काम करना पड़ा मुझे, दो साइड। एक था क्या, हॉस्पिटल जाना पड़ता था खाना देने के लिए, उस टाइम तो रहने के लिए ना, और वहां का काम जल्दी खत्म करके यहां से मीटिंग करना शुरू करना पड़ता था, क्योंकि
टाइम भी ज्यादा था हॉस्पिटल में, है ना, तो घर का काम के लिए भी तो और भी तो टाइम चाहिए ना. यस, सो लेट्स गो टुवर्ड आवर स्लाइड. ऐसे ही करके मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था. और क्या हुआ, लास्ट ईयर लॉकडाउन में सब लोग सोच में पड़ गए थे. व्हाट हैव वी थॉट दैट हाउ विल वी डू द बिजनेस, राइट, क्योंकि ऑफिस भी तो अगर बंद हो जाए तो प्रोडक्ट नहीं मिला तो यही सब सोच में पड़ गए थे ना हम लोग लॉकडाउन में. तो लॉकडाउन में यही सब सोच में हम लोग पड़ गया था. तो वहां पर क्या हुआ, यस, हम लोग हारते हुए भी हार नहीं माना लॉकडाउन में पिछला साल. और हम लोगों का बिजनेस सबसे देरी ग्रो किया, लेकिन जब ग्रो किया ना, खतरनाक ग्रो हुआ टीम एकलव्य का बिजनेस. ठीक है, टीम एकलव्य का बिजनेस खतरनाक ग्रो हुआ, इसीलिए तो आज हम लोग टीम एकलव्य का कोर कहलाते हैं, है ना. तो वहां पर क्या हुआ, जब मैं सिल्वर भी क्वालिफाई करने का समय आया था, लॉकडाउन हो गया, सब टीम डिमोटिवेटेड, क्योंकि मैंने बोला था ना इतना सीरियस टीम नहीं था. तो वहां पर क्या हुआ, सिल्वर जब क्वालिफाई होने के टाइम में क्या, मान लो सिर्फ 11 दिन बाकी था मन एंड होने के लिए, और मुझे साइड में चाहिए था 1200 पीवी. तब क्या हुआ, मेरा 120 जैसा टीम ब्रेक हो गया. आप बोलते हो ना, सर मेरा टीम ब्रेक हो गया, सर मेरा एक डाउनलाइन मुश्किल से मिला था लेकिन वो भी चला गया मेरा लॉकडाउन के समय, वो भी सिल्वर क्वालिफाई होने के टाइम. 100+ टीम मेंबर्स ब्रेक हो गया था, 11 दिन बाकी था, 1200 पीवी चाहिए. उस वक्त सोच में पड़ गया था, ले अभी काम करने में मजा आएगा ना. फेसबुक में पोस्ट हो रहा, लिंक्डइन में पोस्ट हो रहा, इंस्टाग्राम में पोस्ट हो रहा, वहां से ही लास्ट जब मन एंड हुआ था ना, तो साइड में कितना पीवी लेके आया पता है, मोर 2000 पीवी एक्स्ट्रा, वो भी 11 दिन में, वो भी न्यू टीम से. और 11 दिन के अंदर न्यू टीम से ही साला चार लोग जैसा, 4 to 5 पीपल आई थिंक सो, फास्टर 8% में पहुंचा दिया मैंने, इतना काम किया. और वहां से ही आई कम टू नोन एज दैट व्हाट, मास्टर ऑफ क्लोजर ना, मास्टर ऑफ क्लोजर एंड ऑल्सो द मास्टर ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल वर्ल्ड, राइट, क्योंकि सोशल मीडिया को मैंने वहां से ही यूज करना सीखा. कैसे, फेसबुक पे ज्यादा ज्यादा पोस्ट छोड़ के, इंस्टाग्राम में ज्यादा ज्यादा पोस्ट छोड़ के, लिंक्डइन में ज्यादा ज्यादा पोस्ट छोड़ के, यूट्यूब को कैसे यूज करना है वही सबसे सीखा मैंने. तो मल्टीटास्किंग ये सब भी सीखा वहां से ही. वो 11 दिन मेरा सबसे खतरनाक काम हुआ, वो भी सीख के, खुद से सीखा. कैन यू जस्ट इमेजिन, यस. So let's go toward our slide. Okay, just give me a few sec. Okay. Yes, so yes, so at that time silver bhi qualify ho gaya tha. So silver qualify होने के बाद जो मजा आया था ना, मेरा अपलाइन लोगों को ट्रीट किया. लोग बोलते हैं ना, सर आप तो मेरा अपलाइन हो, आपको तो इनकम आ गया, सर ट्रीट करो. कभी ऐसा बोला आपने, सर आपके लिए मुझे ये इनकम आया, सर मैं आपको इस ये दिन को मैं ट्रीट करता हूं, कभी बोला? कभी भी आपका अपलाइन को ट्रीट करके देखना, उसका चेहरा का वो खुशी को देखना. आपका अपलाइन का आंखों से जब आंसू आएगा ना, खुशी का आंसू कि यस मेरा टीम मेंबर भी मुझे आज अच्छे से पहचानने लगे हैं,
यस मैं लोगों को सक्सेसफुल बना पाया, जब ये फीलिंग्स आएगा ना तब देखना सबसे मजा आपको ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए आप ही तो बनाना। यस सो लेट्स गो टुवर्ड द स्लाइड। यस दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप एंड नेक्स्ट फर्स्ट टाइम एट 5 स्टार। आप देख सकते हो मेरा फोटो काफी स्टाइलिश है ना। तब तो 17 साल का था मैं जब मैं पहली बार 5 स्टार किया था, वो भी अपना खुद से, खुद का पैसे से, है ना। वो ये है किरण श्री ग्रैंड गुवाहाटी एंड यू कैन सी ऑल द नाइट लाइफ विच वी हैव सेलिब्रेटेड विद ऑल द वेस्टिजियन, राइट, विद ऑल द वेस्टिजियन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, राइट। बहुत लोग था पुणे, बहुत लोग था लद्दाख से, काफी मजा आया था यहाँ पे, है ना। तो सक्सेस डिमांड्स, व्हाट सक्सेस डिमांड्स, कंसिस्टेंट बिग एंड स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स एंड मोर लर्निंग्स एंड द लास्ट पॉइंट कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट डिमांड करते हैं सक्सेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट मतलब क्या, कि मैं 2 दिन काम करूंगा ठीक से, देखता हूँ रिजल्ट क्या होता है, वो सब नहीं। कमिटमेंट मतलब क्या है, कमिटमेंट मतलब, यस यू कैन नो इट वेल, कमिटमेंट मतलब क्या, आज से 1 साल तक मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा अपना अपलाइन को, फर्स्ट कमिटमेंट। सेकंड कमिटमेंट, जितना भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन मैं कंसिस्टेंसी का साथ नहीं छोड़ूंगा, वो सेकंड कमिटमेंट। थर्ड कमिटमेंट क्या है, थर्ड कमिटमेंट, जो कुछ भी आ जाए लेकिन मैं अपना टीम के लिए खड़ा जरूर रहूंगा, जो कुछ भी चीज आ जाए मैं खड़ा जरूर रहूंगा अपना टीम के लिए। यस दिस इज द कमिटमेंट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमिटमेंट क्या है, सबसे लास्ट, कैन एनीवन गेस? यस कंसिस्टेंसी तो ऑफर लेता हूं लेकिन अपना काम से भी कंसिस्टेंट रहूंगा, डेली लर्निंग्स लूंगा, डेली काम करूंगा, दिन में एक ना एक बार तो मैं मीटिंग करूंगा जितना भी प्रॉब्लम आ जाए घर पे। इनविटेशन भी शायद दिन में मैं 5 लोगों को करूंगा या मिनिमम 3, लेकिन इनवाइट तो कर रहे हो ना, अच्छा है, क्योंकि जितना इनवाइट करोगे अपना आपका स्किल उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, आपका स्किल उतना ही बढ़ेगा। यस सो मेरे यहाँ पे लाइट चला गया अभी एंड ऑल्सो मे बी शायद ये सेशन ओके नागेंद्र ब्रो यस यस थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। मेरा यहाँ पे लाइट चला गया था, शायद ये सेशन सबसे गर्म हुआ था इसीलिए, मतलब क्या एडवर्टाइजमेंट भी तो ज्यादा है ना। यस सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन। यस सक्सेस डिमांड्स ऑल दिस थिंग्स एंड आप सोच सकते हो कि वेस्टिज को मैंने अपने लाइफ के लिए क्यों चुना। आप चाहे, अगर आप चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला चीज, पहला मेरा पॉइंट है, डेडिकेटेड फ्यू years of life in vestige and it will change your life forever, right? Simplest, the next point is simplest way to create wealth and earn passive income. Number 3, perfect platform to fulfill your dreams. Number 4, vestige believes in creating economic independence for the people, right? Number 5, share your experience and opportunity with others and join the mission of 100% made in India, right? You just need to change your shop and change your life. That is the 6th point, right? So these are all my success story, which I can share with all you guys. And last but not the least, आपसे मैं जो surprise के बारे में बोला था कि social media या internet platform पे आप कैसे rock करोगे ना, आप कैसे अपना business को boom up करोगे, ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आप चाहे तो पूरा नोट डाउन कर लो आपका डायरी में। ठीक है, यस एक्सक्यूज मी। सो सक्सेस रूल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, ये सभी जो है जो मैंने ये पेंडेमिक के टाइम में सीखा,
और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद से ही मैं इसको रेगुलरली यूज करते गया, ठीक है. यस आई बिलीव दैट एवरीवन इज रेडी, राइट. यस द फर्स्ट मोस्ट थिंग्स, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, सो टेक एक्शन एज मच एज पॉसिबल. लाइफ में कुछ भी हो सकता है, फैमिली पे भी कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं कल किसी को कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके लिए क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? Do you have all those kinds of financial security at this point of time? No, right? So, life में क्या हो, future में क्या होने जा रहा है हम लोगों को पता नहीं, लेकिन action as much as possible ले लो आप, क्योंकि क्या पता कल कुछ हो जाए, है ना. Yes. Second point, do not depend on single source of income. सिर्फ एक single source of income पे आप dependent मत रहो. क्यों? क्योंकि single source of सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से आप, हम सब लोगों को पता है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से आज घर चलाया नहीं जाता, है ना. दैट इज द फर्स्ट थिंग, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से घर चलाया नहीं जाता, है ना. एंड नेक्स्ट, गोइंग डिजिटली इज नेसेसरी टू सस्टेन इन द मार्केट. आज देखो लॉकडाउन है, हम सब लोगों को पता है, बहुत सारा जगह पे भी आज भी लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आपका बिजनेस को जब आप सोशल मीडिया या इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जब आप शिफ्ट करोगे ना, तब देखना ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन पे आप ज्यादा ग्रो करोगे, जब आप ऑनलाइन को ज्यादा अच्छे से समझोगे ना. यस, सो लेट्स गो. बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड एंड सोशल on social media is important for leads, right? Building a personal brand and on social media is important for leads. Yes, there's so much right, right? Yes, वो कैसे? देखो, बहुत सारा लोग social media में क्या हो जाता है? Romeo and Jack भी हो जाता है, कुछ लोग धीरूभाई अंबानी भी हो जाता है, ना? कुछ लोग धीरूभाई अंबानी भी तो हो जाता है. और कुछ लोग मान लो टॉम एंड जेरी भी हो जाता है ना, कुछ लोग टाइटेनिक भी हो जाते हैं, कुछ लोग रोमियो एंड जूलियट, है ना. सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस वही बोलते हैं कि आप क्या हो, आपका प्रेजेंस ही बोलते हैं कि आप क्या हो. लोगों को जज करने का जरूरी नहीं है, जजिंग आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल से ही हो जाता है. वो कैसे? अगर आपका स्टेटस में आप पोस्ट कर रहे हो लव स्टोरी का, तो लोग, आपका टीम मेंबर भी सोचेगा ना कि सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या समझाएगा, सर तो हम लोग सर या मैम तो मतलब क्या बहुत हार्ट ब्रोकन रहता है ना. तो अगर सोशल मीडिया में मोबाइल गेम्स का ही डाल रहे हो, तो हम लोग का टीम मेंबर भी तो बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, हम लोग का टीम मेंबर भी तो बोल सकते हैं ना कि क्या बोलो, जैसे कि सर तो बहुत गेम्स खेलते हैं, हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सिखाएगा, है ना. तो सोशल मीडिया का प्रेजेंस में हम लोगों को मतलब बहुत अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है. क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया से ही तो हम लोग ज्यादा कनेक्टेड है ना. देखना लॉकडाउन के बाद से बुड्ढा और बुड्ढी भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब यूज करने लगा है. व्हाट्सएप ग्रुप का रेंज बढ़ गया है ना. तो क्या हम लोगों को यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया हम लोगों का रियल लाइफ से ज्यादा बात करते हैं आज, है ना. इसीलिए सोशल मीडिया का प्रेजेंस आपका प्रोफाइल पिक्चर से लेके, आपका स्टेटस से लेके, आपका बायो से लेके, आपका अबाउट तक सब कुछ अच्छे से मेंटेन करना. और सोशल मीडिया में आज वेस्टिज का अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं, लेकिन आपका सोशल लाइफ ज्यादा प्रमोट करो. जैसे कि लोग बहुत अपलोड करते हैं ना कि मेरा टीम का इतना इनकम आ गया, ज्वाइन माय टीम, है ना. एंड सेकंड थिंग, ज्वाइन टीम दिस वन फॉर एसोसिएशन कॉल टू मी, राइट. फॉर एसोसिएशन कॉल टू मी, राइट. ये सब बहुत सारा लोग अपलोड करते हैं. तो आज ट्रेंडिंग में क्या है, ट्रेंडिंग को पहले समझो, ठीक है. सोशल मीडिया के बारे में ट्रेंडिंग को पहले समझो, आज क्या ट्रेंडिंग है. देखो आज आप जब फेसबुक खोलते हो ना, तो
तो ज्यादातर क्या आते हैं, रील्स आते हैं, है ना, रील्स और फेसबुक। फेसबुक पे हम लोग ज्यादा क्या देखते हैं, फेसबुक स्टोरीज भी देखते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं, है ना। तो मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है, लोग भी देख रहे हैं स्टोरीज ज्यादा, मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी ज्यादा अपलोड करो अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, नहीं अपना सोशल लाइफ को, ठीक है, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेकिन अपना सोशल लाइफ को, ठीक है। जैसे कि आप कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हैं आपका स्टोरी में, है ना, और या आप एक रील्स बना सकते हो आपका, क्या आप एक रील्स बना सकते हो कि एक रील्स मतलब क्या, एक मान लो एक प्रोडक्ट डेमो भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आप ये वेस्लिन कैप्सूल का डेमो भी देख सकते हो एक रील्स में, वो सब प्रमोट करो, ठीक है, अच्छे से एडिट करके म्यूजिक के साथ पूरा प्रमोट करो। अगर आप प्रोडक्ट डेमो कर रहे हो ना, तो अगर आप ज्यादा बात कर रहे हो, वो वीडियो सिर्फ आपका टीम पे जाएगा, न्यू एसोसिएट पे नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को इतना लंबा बात अच्छा नहीं लगता। लेकिन वीडियो के साथ, एक एनिमेशन के साथ अगर आप वो करते हो ना, विदाउट टॉकिंग बट विद वीडियो, राइट, दैट आल्सो विद बैकग्राउंड म्यूजिक, वो लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और लोग उसको ही ज्यादा देखते हैं, है ना। यस, सो लेट्स गो टुवर्ड्स दिस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया मेक्स योर वर्क फास्टर एंड स्मार्टर टू वर्क, राइट, दैट्स व्हाट आई सेड। सोशल मीडिया में देखना, आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस ही आपका क्या ये बिजनेस लाइफ को ही सबसे ज्यादा ग्रो कराएगा। क्यों ग्रो कराएगा? क्योंकि आपका प्रोफेशन देखना, शायद आप में से कुछ लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर है शायद, या कुछ लोग आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हो शायद, है ना। तो मेरा प्रोफाइल पिक्चर और मेरा बायो देख के ही मुझे पूछने का जरूरी नहीं है लोगों को कि मैं क्या हूं, लेकिन मैं कुछ तो हूं, है ना। अगर लोग मुझे पूछे या नहीं पूछे भी, लोगों को पता चल जाएगा मेरा प्रोफाइल पिक्चर और मेरा बायो देख के ही। कैसे? क्योंकि मेंटेन किया है ना, मेंटेन किया हुआ है। इसीलिए अगर आप 5% हो या डायरेक्टर लेवल ग्रो करना है ना, तो क्राउन डायरेक्टर का एटीट्यूड लेके ग्रो करो। 5% रह के 5% का माइंडसेट और वो सब हरकतें लेके अगर जाओगे ना, स्पेशली फॉर 5%, आप 5% पे अटक के रहोगे। अगर आप लेवल अप करो भी, लेकिन आपका दिमाग 5% पे ही अटकेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। अगर आप ये बिजनेस पे ग्रो करना चाहते हो ना, आपको क्राउन डायरेक्टर का सोच लेके ग्रो करो। जो लेवल आप पहुंचना चाहते हो, वो लेवल पे कैसा लोग रहता है। जैसे कि मान लो क्राउन डायरेक्टर या यूसीडी, मान लो यूसीडी पे हम लोग का टीम में कौन है, सुदीप सर, है ना। सुदीप सर का इंस्टाग्राम को फॉलो करो, सुदीप सर कैसा बायो डाटे, मतलब उसका बायो कैसा है, वो सब फॉलो करो, है ना। तो वहां से ही तो आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस भी यूसीडी जैसा लगेगा। और नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना अपलाइन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर मैं इतना काम करूंगा, सर मुझे सुदीप सर से बात करने का एक चांस मिलेगा, है ना, अगर आप उनके जैसा ग्रो करना चाहते हो। यस, इफ यू वांटेड टू बी सक्सेसफुल, राइट, टॉक विद द सक्सेसफुल पीपल एंड वर्क लाइक देम, राइट। और यस, मैसेज फॉर ऑल, इफ यू हैव अ ड्रीम, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, बिकॉज नो वन्स एल्स care about it, right? If you have a dream, what did I say? Yes, you have to protect it because no one else care about it. देखो, business शुरू किया है एक सपना लेके, एक सोच लेके, है ना? Business यही सबसे ही तो शुरू होता है ना? तो सपना और सोच लेके हम लोग ये business को शुरू किया और आज हम maybe इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ, है ना? Maybe इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। कैसे? वो सोच लेके, है ना? Yes, so I do believe that सब लोगों को भी मतलब वो सोच
से ही तो मतलब यहाँ पर ग्रो किया है. और एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दैट टुडे इज माई फर्स्ट टाइम शेयरिंग माई जर्नी एंड आई बिलीव दैट यू विल लाइक इट राइट. आई बिलीव दैट यू विल लाइक इट सो मच एंड देर आर येट मोर टू गो राइट. क्योंकि अचीवमेंट भी तो अभी तो बढ़ाना है ना. यस सो at last I wanted to say these are all my social media presence. Yes, you can add me up on Facebook, you can follow me on Instagram, and you can subscribe my YouTube channel also. Abhi 1.30k ho gaya hai mera social mera YouTube subscriber bhi, and Instagram ka followers bhi abhi 1k jane wala hai soon right. Yes, so it happens only from the social media presence, right? So, jitna aapka follower barega, lekin fake followers nahi. Jaise ki maan lo, dost, mera Facebook thora follow kar dena. Ye sabse nahi hoga. Logo ko aapko follow kaisa karana hoga, aapka social media ka presence hai. Tab hi aap, kyunki dekh, agar aap logo ko bol rahe ho na, ki mujhe follow kar do na. Excuse me guys. मुझे फॉलो कर दो ना, अगर आप यही सब तो बोलते हो ना, तो वो आपको फॉलो करे या ना करे, अगर फॉलो करे भी आपका पोस्ट स्टेटस ये सबको फॉलो नहीं करेगा, है ना. यस दैट्स द थिंग. सो इट्स अ ग्रेट मीटिंग यू गाइस. यस सो नागेंद्र सर आई एम मेकिंग यू द होस्ट वंस अगेन. ओके yes thank you so much. wow matlab कुछ बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं रहा सर. इतना अच्छे से आपने इतना मतलब ये टाइम समय कितना जल्दी काट दिया ना. जैसे कि ये 6:05 से शुरुआत हुआ तो 1 घंटे कैसे चला गया मुझे पता ही नहीं चला अभी तक. मतलब ये जो आपने ये पॉइंट्स जो बोला है ना, मतलब ये गुस्बम खड़ी करने वाला है ना. जैसे कि हम भी सोशल मीडिया तो चलाते हैं लेकिन इतना यूज मतलब इतने अच्छे तरीके से यूज करना नहीं आते थे. और मतलब आज आपके थ्रू से हमें इतना अच्छा अच्छा पॉइंट्स मिला है ना. मतलब क्या बताऊँ आपको कि मतलब हमारा जो सोच था, हमारा जो मतलब एक लिमिटेड वाला जो मतलब कमिटमेंट भी क्या बोलूँ,